स्टार प्लस की शो अनुपमा में अब तक हमने देखा है कि किस तरह से बस अब अनुपमा और अनुज का पैचअप हो जाए, ये हम चाहते थे और अनुपमा भी चाहती थी। तो अब अनुज की तरफ से अनुपमा को सरप्राइज मिलने वाला है, हालांकि अनुपमा भी पीछे नहीं हटेंगी किसी भी तरह से अनुज के करीब जाने का। वहीं दूसरी तरफ जहां पर अब अनुपमा ने अपने पुराने परिवार पे थोड़ा सा फोकस कम करके अपनी नई जिंदगी को, जो अपना नया परिवार है, उसको वक्त देने की कोशिश की है, वहीं जब अनुपमा का साथ नहीं होगा, तो अब जब अनुपमा का जो ध्यान है वो अपने सिर्फ और सिर्फ नई फैमिली पर होगा, तो उनके पुराने परिवार में आने वाली है मुसीबत। इतनी बड़ी मुसीबत कि उसे किसी भी तरह से सॉल्व करना बहुत ज्यादा अर्जेंट होने वाला है, इतना ज्यादा अर्जेंट होने वाला है कि अगर उसे सही टाइम पर सुलझाया नहीं गया या सॉल्व नहीं किया गया तो मुसीबत आ सकती है, और ये मुसीबत कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बदल सकती है। तो आखिरकार क्या वापस से अनुज को मनाने के बाद, उनसे पैचअप होने के बाद, वापस से वो वादा करने के बाद कि अब वो अनुज को टाइम देंगी, उनका साथ देंगी जिंदगी भर, कि वापस से उन्हें पुराने परिवार का साथ देना पड़ेगा, उनको चुनना पड़ेगा, चाहने के लिए स्टार प्लस की शो अनुपमा को लगातार देखते रहिए।